यह गाड़ी नहीं, यह लाखों लोगों के दिल की धड़कन है। मात्र 6,81,000 रुपये में आप लोगों को मिलने वाली है स्विफ्ट VXi। तो दोस्तों, स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जो मारुति सुजुकी कंपनी की जान है, क्योंकि यह वेरिएंट भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला और मारुति सुजुकी कंपनी को बेस्ट बनाने वाला यही वेरिएंट है। क्योंकि स्विफ्ट और स्विफ्ट डिज़ायर दोनों ऐसी गाड़ियां हैं जो भारत के मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मारुति स्विफ्ट मारुति का सबसे ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट है, साथ ही इसकी प्राइस रेंज भी बहुत कम है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आज जिस वेरिएंट के बारे में बात करना चाहते हैं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi वेरिएंट है। तो दोस्तों, अगर इसकी एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो इसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 6,81,000 रुपये रखी गई। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। साथ ही अगर इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इस वेरिएंट के अंदर सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आम आदमी की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर इस वाले वेरिएंट में इंजन की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 1197 cc का 4-सिलेंडर इनलाइन इंजन दिया गया है। साथ ही अगर इंजन टाइप की बात की जाए तो 1.2 liter डुअल जेट इंजन दिया गया है। यह इंजन एक पेट्रोल इंजन है। साथ ही अगर इस वाले इंजन के मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 89 bhp 6,000 rpm प्रोड्यूस करती है। साथ ही अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 113 Nm 4,400 rpm प्रोड्यूस करती है। अगर साथ ही गाड़ी के माइलेज की बात की जाए तो यह गाड़ी 23.2 km प्रति लीटर के हिसाब से कंपनी क्लेम करती है। यह गाड़ी फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। अगर गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 5 gear मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। साथ ही इस वाले वेरिएंट के अंदर आइडियल स्टार्ट स्टॉप फीचर्स दे रखा है जो कि अपनी फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाता है। अगर गाड़ी के डायमेंशन सिस्टम की बात की जाए तो इस प्रकार है। गाड़ी की लेंथ लगभग 3835 mm, विड्थ लगभग 1735 mm, हाइट लगभग 1530 mm। अगर साथ ही व्हील बेस की बात की जाए तो गाड़ी का व्हील बेस लगभग 2450 mm दिया गया है। अगर गाड़ी के कर्व वेट की बात की जाए तो गाड़ी का कर्व वेट लगभग 879 kg का दिया गया है। अगर गाड़ी की कैपेसिटी की बात की जाए तो यह गाड़ी 5 doors के साथ अवेलेबल है। साथ ही अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यह गाड़ी 5 seater के साथ अवेलेबल आती है। साथ ही इसके अंदर 2 sitting row दे रखी है। अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो गाड़ी का बूट स्पेस लगभग 268 liter का आता है। अगर गाड़ी के फ्यूल टैंक की बात की जाए तो गाड़ी का फ्यूल टैंक लगभग 37 liter का दिया गया है। साथ ही अगर गाड़ी का टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 165/80R14 के टायर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर गाड़ी के सेफ्टी सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 2 airbag दे रखे हैं, फ्रंट पैसेंजर साइड, साथ ही ड्राइवर साइड। अगर गाड़ी के एनकैप रेटिंग को देखा जाए तो गाड़ी 2-star NCAP रेटेड है। साथ ही अगर गाड़ी 80 की स्पीड पर रहेगी तो एक बार बीप करेगी। साथ ही अगर 120 की स्पीड पर रहेगी तो रेगुलर अलर्ट करेगी। साथ ही अगर गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। अगर लॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग रिमोट के साथ साथ स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे बेहतरीन लॉक सिस्टम दिए गए हैं। अगर गाड़ी के एयर कंडीशनर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर मैनुअल एयर कंडीशनर देखने को मिलता है। साथ ही इस वाले वेरिएंट के अंदर हीटर भी दिया गया है। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट को देखा जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। साथ ही इस वाले वेरिएंट के अंदर 4 rear parking sensor दे रखे हैं कंपनी के द्वारा। साथ ही इस वाले वेरिएंट के अंदर 4 power window मिल जाते हैं जो कि इस वेरिएंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। अगर गाड़ी के ORM की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर बॉडी कलर्ड ORM देखने को मिलते हैं। साथ ही वह इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट वाले ORM दिए रखे हैं गाड़ी के अंदर। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर लाइटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर फॉग लैम्प की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर कोई फॉग लैम्प नहीं दिया गया है। साथ ही अगर टेल लाइट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टेल लाइट LED देखने को मिलती है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर एनालॉग डिजिटल प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है। साथ ही यह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लो फ्यूल वार्निंग, डोर हजार वार्निंग जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ दिया गया है। अगर इस वाले वेरिएंट के अंदर म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है जो कि आप लोग देख ही सकते हो कि इस प्राइस रेंज में टच स्क्रीन डिस्प्ले देना नामुमकिन बात है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह गाड़ी स्विफ्ट VXi मॉडल बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि नॉर्मल इंसान को जो फीचर्स चाहिए होते हैं, जो इंजन चाहिए होता है, वो सारा इसके अंदर अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो इसका एवरेज भी बहुत ही अच्छा है। कंपनी इसका एवरेज लगभग 23 km प्रति लीटर के हिसाब से क्लेम करती है। और वैसे भी भारत के मार्केट में स्विफ्ट का इतना ज़्यादा राज है, जैसे कि अगर देखा जाए तो हर आदमी के नाम पर कोई भी बोलता है कौन सी गाड़ी लेनी तो स्विफ्ट ले करेंगे मारुति सुजुकी वैगनआर की। तो दोस्तों, आज वैगनआर के बेस्ट वेरिएंट की बात करेंगे जिसका नाम है LXi। अगर गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो गाड़ी का इंजन 998 cc 3-cylinder इनलाइन इंजन आता है। साथ ही अगर इंजन टाइप की बात की जाए तो KTM सीरीज का इंजन आता है। फ्यूल टाइप की बात की जाए तो गाड़ी पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। साथ ही अगर गाड़ी के मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो 66 bhp 5,500 rpm, मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 89 Nm 3,500 rpm। अगर गाड़ी के माइलेज की बात की जाए तो गाड़ी 24.3 km प्रति लीटर का कंपनी क्लेम करती है। अगर गाड़ी के अंदर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो गाड़ी 5 gear मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। साथ ही इमिशन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो गाड़ी BS6 इमिशन के साथ आती है। तो दोस्तों, अगर गाड़ी के डायमेंशन की सिस्टम की बात की जाए तो गाड़ी की लेंथ 3655 mm, विड्थ 1620 mm, हाइट 1675 mm। साथ ही अगर व्हील बेस की बात की जाए तो 2435 mm। अगर कर्व वेट की बात की जाए तो गाड़ी का कर्व वेट लगभग 810 kg है। अगर गाड़ी की कैपेसिटी की बात की जाए तो यह गाड़ी 5 doors के साथ आती है। साथ ही अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 5% सीटिंग ऑफ रो की बात की जाए तो 2 sitting row अवेलेबल है। साथ ही अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो 341 liter का बूट स्पेस है। अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 32 liter का फ्यूल टैंक अवेलेबल है।
अगर गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 155 80 आर 13 के टायर अवेलेबल है। साथ ही अगर गाड़ी के सेफ्टी सिस्टम की बात की जाए तो गाड़ी 80 की स्पीड पर एक बार बीप करेगी, 120 की स्पीड पर कंटिन्यूस बीप करेगी। अगर गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर ABS EBD दिया गया है। साथ ही अगर गाड़ी के लॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर इंजन इमोबिलाइजर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जो कि रिमोट के साथ स्पीड सेंसिंग डोर लॉक चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे बेहतरीन फीचर दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के कंफर्ट एंड कन्वीनेंस की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर मैनुअल दिया गया है, साथ ही गाड़ी के अंदर हीटर भी दिया गया है। अगर पार्किंग सेंसर की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर रियर पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। साथ ही इस वाले वेरिएंट में 12 वोल्ट आउटपुट सॉकेट भी दिया गया है। अगर गाड़ी के सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो गाड़ी की ड्राइवर सीट 4-way मैनुअली एडजस्टेबल, साथ ही फ्रंट पैसेंजर सीट 4-way मैनुअल एडजस्टेबल दी गई है। साथ ही अगर गाड़ी के डोर्स की बात की जाए तो फ्रंट डोर के अंदर पावर विंडो इंस्टॉल की गई है, साथ ही बैक डोर पर मैनुअल एडजस्टेबल विंडो दी गई है। अगर गाड़ी के ORM की बात की जाए तो गाड़ी के ORM ब्लैक कलर के मिलेंगे, साथ ही इंटरनल एडजस्टेबल दिए गए हैं। अगर गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, साथ ही एवरेज फ्यूल कॉम्बिनेशन भी बताता है। मारुति सुजुकी वैगनर के साथ कंपनी 40,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, साथ ही 2 साल की वारंटी देती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे इस गाड़ी के जो जिस वेरिएंट के बारे में अपन ने बात की है LXi की, उसकी प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है वो लगभग 5,47,000 रुपये रखी गई है, जो कि इस हिसाब से बहुत ही अच्छी है। अगर देखा जाए तो ये अल्टो 800 और अल्टो K10 से बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। साथ ही अगर माइलेज की बात की जाए तो कंपनी माइलेज भी अच्छा खासा क्लेम कर सकती है। अगर अपन चाहे तो इसके अंदर बाहर से CNG भी लगा सकते हैं। CNG में यह गाड़ी 31.9 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के हिसाब से एवरेज देती है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह गाड़ी अल्टो K10 और अल्टो 800 से बहुत ही अच्छी गाड़ी है। साथ ही इस गाड़ी का जो इंजन है बहुत ही रिलायबल दिया गया है कंपनी के द्वारा। वैसे भी वैगनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मारुति के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट साबित हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा व्लॉग? आई होप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं कल 8:30 बजे। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।